नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं ब्लैक पेपर पाउडर तैयार करने का तरीका बतलाती हूँ, काली मिर्च का पाउडर। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लैक पेपर को जब हम लाते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इस तरह से थोड़ा इस तरह से दबा कर देख लेना है। अगर ये अच्छी तरह से सूखा हुआ नहीं है, खूब अच्छा ड्राई नहीं है, तो हम इसे थोड़ा धूप में सुखा लेंगे। अगर घर में धूप ना आता हो तो क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, बेहतर यही होता है कि हम इसे धूप में सुखा लें, नहीं तो इस तरह से कपड़े के ऊपर रख के और इसे खूब अच्छी तरह से दबा दबा कर और थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। इसके जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाता है इस तरह से करने से। एक बात और बतला देती हूँ, एक ही बार में बहुत ज़्यादा पाउडर बना करके ना रखें। उससे होता क्या है कि इसका जो स्मेल होता है, जो टेस्ट होता है, वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाएं, 50 ग्राम 100 ग्राम ब्लैक पेपर का पाउडर एक बार में तैयार करके रखें। अब इस तरह से जब कपड़े पर इसे रगड़ देते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा इस तरह से निकाल लेंगे, ऊपर ऊपर इसे निकाल लेंगे। इसे गर्म करेंगे तो ये इसमें से एक जला हुआ स्मेल आने लगता है, इसलिए इसे गर्म करना नहीं है। इस तरह से कपड़े से ही दबाकर, और अगर बहुत बरसा का समय है या धूप नहीं आती हो तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही तैयार करके रखें। 50 ग्राम भी करीब एक महीने चल जाता है इस तरह से निकाल लेंगे। ऊपर ऊपर हम ब्लैक पेपर को निकाल लेंगे और इसके कुछ छिलके रह जाते हैं नीचे में, उसे इस तरह से हटा लेंगे और पूरा ब्लैक पेपर को ऊपर ऊपर निकाल लेंगे। अब इसे पॉट में डालकर और पाउडर बना लेंगे। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा गर्म किया हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, अच्छी तरह से धूप में सुखाया हुआ जीरा डाल सकते हैं। जीरा को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके भी डाल दें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक पेपर को गर्म करेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा कड़वी हो जाती है, इसलिए इसे या तो धूप में सुखाएं, नहीं तो कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ कर और तब इसे पीस लेना है। अब मैं इसे थोड़ा पीस कर पाउडर बना लेती हूँ। अब ये देखिए, ये पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है, खूब अच्छी तरह से पाउडर बन गया है। अब थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, इसका स्मेल टेस्ट सब एकदम बरकरार रहेगा, और बहुत ज़्यादा एक बार में बना कर रख देंगे तो वो सब ख़त्म हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं रहता इसका जो फ्रेश का होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पाउडर बना कर रखें। अब इसे मैंने पेपर पर डाल दिया है, क्योंकि पेपर से किसी भी बॉटल में डालना बहुत आसान होता है, इस तरह से लेकर और झट से इसे किसी बॉटल में, सूखे हुए बॉटल में भर कर रख देंगे। बॉटल हो, कोई भी बर्तन आपके पास जो भी है उसमें रख दें भर कर। इसमें इस तरह से डालना आसान हो जाता है। इस तरह से भर कर रख दें और इसे पैक कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, तो इसकी जो अपनी स्मेल होती है वो बरकरार रहती है। कितने भी दिन अब ये चलता है, फ्रेश रहता है। जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकालें और झट से ढक्कन बंद करें, ताकि इसकी स्मेल इसमें बरकरार रहे, इसका ध्यान रखें। तो इस तरह से ब्लैक पेपर पाउडर तैयार करते हैं। आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।